व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी जिंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। मैं हूं कासिम, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे का जो बटन है उसमें दबा के, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे कोई भी आने वाले वीडियोस मिस ना करें। ऑलराइट, आज का जो वीडियो है बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी एक किताब जो अभी तक $12,000 से ज़्यादा कमाई कर चुकी है। जी हाँ, और सोचने वाली बात है, अगर किसी के पास ऐसे ही बुक्स, मतलब यू नो बल्क अमाउंट में या बड़े क्वांटिटी में अगर हो, तो सोचिए हर महीने इस तरह कितना पैसा आप कमा सकते हो। मेरे पास 250 से भी ज़्यादा बुक्स हैं ऑलरेडी, जो मैंने अमेजोन के मार्केट में पब्लिश कर लिया है, और ऑन एन एवरेज मैं महीने का 20,000 से 28,000 तक मैं कमा लेता हूँ। हालांकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो महीने होते हैं वहाँ पे मेरी कमाई काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कभी कभी $50,000-$60,000 से ज़्यादा भी मुझे मतलब रेवेन्यू या बिजनेस लेके आती है। जी हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको हम लोग फेस्टिव मंथ्स कहते हैं, जो ज़्यादातर अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक जाता है। उस सीज़न में ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं जो अमेरिका और यूरोप में जो रहते हैं, वो लोग किताबें खरीद के अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को गिफ्ट्स के तौर पे देते हैं। जी हाँ, तो इस वजह से हमारा जो सेल है काफ़ी अच्छा होता है, और सिर्फ बुक्स का ही बिजनेस नहीं, काफ़ी अलग चीज़ें जो अमेज़ॉन में बिकती हैं उनका भी बड़ा अच्छा सेल होता है। लेकिन मैं बुक्स के बारे में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट बिजनेस है, खास करके जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, और इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में कितना बढ़िया पोटेंशियल है, और आप भी मेरी तरह कैसे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं ये पब्लिशिंग बिजनेस स्टार्ट करके। पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मेरे दो बुक्स हैं जो मैंने खुद लिखी है और अमेज़ॉन में उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मुझे ईमेल भेज दीजिए, मैं आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूँ, जो आप अपने मोबाइल में या अपने ई बुक या किंडल डिवाइस में बैठ के खुद पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो बात करेंगे इस एक किताब की। मैं टाइटल तो नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपने बुक्स के आइडियाज और टाइटल्स या टॉपिक्स को शेयर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको सिखाता हूँ मेरे एकेडमी में आप किस प्रकार या किस तरह से अच्छे प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स ढूंढ के मार्केट में ऐसे किताबें पब्लिश करके आप पब्लिश कर सकते हो। टॉपिक मैं इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे उस मार्केट के अंदर ज़्यादा कंपटीशन हो, समझ रहे आप। तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट है जो मैंने चुना है, यहाँ पे बहुत कम कॉम्पिटिशन है बट बढ़िया, बहुत हाई डिमांड है। जी हाँ, तो इसी तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरे जो दूसरे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं डन फॉर यू बिजनेस चलाता हूँ, जो मेरी कंपनी जो मेरी एजेंसी चला के मैनेज करती है, हमारा काम रहता है उनके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स, उनके लिए अच्छे प्रॉफिटेबल सब्जेक्ट्स ढूंढना और पब्लिश करना। यू नो, ये जो किताबें हैं ये घोष राइटर्स लिखते हैं, जो अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, वो लिख के हमें बुक्स बेचते हैं। उसके बाद हम बुक्स की कवर्स डिज़ाइन करते हैं, कवर्स डिज़ाइन करने के बाद फिर हम उसको पब्लिश करते हैं। उसके बाद आता है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, दूसरे काफ़ी बिजनेस ऑपरेशंस के कुछ ज़रूरत की चीज़ें। ऑलराइट, एनीवेज, बहुत बातें कर ली, अब आपको नंबर्स दिखाते हैं, ठीक है? स्टे ट्यून्ड गाइस। नहीं दोस्तों, तो वेलकम बैक। जैसे मैं पहले कह रहा था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बुक जो अभी तक $12,000 से भी कमाई कर चुका है। मैंने बुक का टाइटल ब्लर कर दिया है ऊपर और नीचे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और लोग इस टॉपिक के ऊपर या इस विषय के ऊपर कुछ बुक्स डालें इस वक्त मार्केट में। लेकिन अमेज़ॉन एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, कि यहाँ पे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप रोज़ एक एक नई सब्जेक्ट, एक एक नए विषय के ऊपर आप किताबें पब्लिश कर सकते हो। तो
वो कुछ फिक्र करने वाली बात नहीं है, और उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है, किस निचेज या किस कैटेगरीज में आपको फोकस करना चाहिए, वो सब मैं अपने किंडल इनकम अकेडमी के प्लेटफॉर्म में सिखाता हूँ। तो एनीवेज मुद्दे की बात यह है आपको दिखाना कि एक बुक से ही आप लोगों को कितना पोटेंशियल मिल सकता है, यू नो। और इसी प्रकार अगर आप 10, 20, 30 बुक्स ऐसे आप पब्लिश करके अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म में डालोगे तो सोचिए आप कितना ज़्यादा पैसा आप लोग कमा सकोगे, यू नो। तो यह है वो बुक जो मैंने तकरीबन 2019 के मेरे ख्याल से जैन या जुलाई में मैंने पब्लिश किया था। जैसा आप देख रहे स्क्रीन पे 16,249.59 तक का जो है सेल हम लोगों ने किया था, और उसमें से लेट्स से 5,215.75 जो है ये जो है एड्स का खर्चा है, क्योंकि एवरी मंथ जब हम लोग बुक को पब्लिश करते हैं मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए भी जो है थोड़ा पैसा देना पड़ता है ताकि आपका बुक अमेज़ॉन ज़्यादा प्रमोट करे, उसको ज़्यादा मार्केट और एडवर्टाइज करे। तो इतना जो है एडवर्टाइजिंग का खर्चा हुआ है अभी तक। अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं और ये देखिए ये है अभी तक सिर्फ पेपरबैक की सेल की बात कर रहा हूँ, और ये सिर्फ एक बुक है दोस्तों, ये सिर्फ पेपरबैक बुक के सेल से मैंने अभी तक इतना कमाया है $11,033.84 जस्ट फ्रॉम वन बुक। इसका बंडल बुक अभी तक मैंने बनाई नहीं है। बंडल बुक क्या है, अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखोगे सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में आपको मालूम पड़ेगा बंडल बुक पब्लिश करने का क्या फ़ायदा है। तो सिर्फ इस बुक से मैंने इतना तक कमाया, वो भी सिर्फ पेपरबैक वर्शन से और ई बुक से। और अगर ई बुक और ऑडियो बुक्स का अगर मैं ऐड करूँगा सेल तो मैंने $12,000-13,000 से ज़्यादा कमा लिया है अभी तक। तो ये एक एग्जांपल था दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और इम्पोर्टेंट बात मुझे ये बताना था आप लोगों को कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं आया हूँ amazon.com के वेबसाइट में जो आप देख सकते हैं, और लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ बुक टॉपिक के ऊपर आपको कुछ सर्च करना है, आपको रिसर्च करना है, और फिर आपको एक डिसीजन लेना है वो बुक को अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म में आपको पब्लिश करना है कि नहीं। देखिए इम्पॉर्टेंट बात ये है हमेशा इंश्योर करना कि उस बुक का डिमांड मार्केट में है कि नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है देखना कि मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है या नहीं। अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो ऑफकोर्स बेवकूफ़ी की बात होगी अगर आप उसी मार्केट में बुक्स डालोगे तो, क्योंकि आप शायद एक दो दिन पैसा बनाओगे लेकिन उसके बाद आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जो सब मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और फिर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो अपने आप को। लेकिन एनरोल करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, कुछ पूछताछ करना है, फील फ्री टू सेंड मी एन ईमेल। ओके दोस्तों, ऑलराइट, तो लेट्स ट्राई अ टॉपिक। एक टॉपिक है जो फार्मिंग विच में आता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स गार्डनिंग। ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि फार्मिंग लेट्स से फार्मिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग, म्यूजिक एंटरटेनमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा यू नो मतलब इस मार्केट में इन सब विषय के ऊपर इसकी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती है। हाइड्रोपोनिक्स गार्डनिंग अभी अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है KD Spy। मेरा ऑलरेडी इसका जो है अपने गूगल क्रोम एक्सटेंशन में मैंने ऐड कर लिया KD Spy सॉफ्टवेयर को, तो ये मुझे बताएगा ये मार्केट सही है या नहीं। देखिए ये मुझे पूरा समरी दे रहा है यहाँ के टॉप 19 बुक्स का, यहाँ पर बता रहा है टोटल मंथली रेवेन्यू अराउंड 12,000 से थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ के बुक्स बना रहे हैं, पॉपुलैरिटी बहुत कम है, पोटेंशियल भी थोड़ा कम है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। मेरे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है चेक करना कि ये जो टोटल मंथली रेवेन्यू जो आप देख रहे हो ये 50,000 या $100,000 से ऊपर होना चाहिए, तभी जो है लगेगा हम लोगों को कि इस मार्केट में कुछ पोटेंशियल है कि नहीं। ओके चलिए, तो ये टॉपिक सही नहीं रहे, कुछ लॉन्ग टेल की वो ट्राई करके देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स फॉर बिगिनर्स ट्राई करके देखते हैं। 2000 रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 3000 रिजल्ट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3000 रिजल्ट्स से ज़्यादा है इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और अगर हमने बुक डाला आपके बुक बहुत जल्द सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं पहले कह रहा था कुछ दिन की कमाई होगी, उसके बाद आपका बुक जो है अमेज़ॉन के लेट्स से 20वें पेज या यू नो 50th पेज में जाके पहुंच जाएगा, ये देख रहे हो आप 50-75। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करना है जिससे आपकी जो बुक्स है हमेशा फ्रंट पेज पे ही नज़र आए,
यहाँ पे अगर फ्रंट पेज पे आपकी बुक नज़र आएगी, क्योंकि फ्रंट पेज बेसिकली एक प्रोडक्ट का शेल्फ जैसा होता है, कस्टमर्स आएंगे, ब्राउज करेंगे, देखेंगे बुक का कवर अच्छा लगा, बुक का कंटेंट अच्छा लगा, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अच्छा है, इमीडिएटली जाके परचेस करेंगे। और या और वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं, खास करके अमेरिकन यूरोपियंस, वो लोग सिर्फ एक बुक दो बुक नहीं खरीदते, वो लोग जब कुछ खरीदते हैं एक सर्टन टॉपिक पर, एक टाइम पर आते दो तीन बुक्स वो लोग परचेस कर लेते हैं, अपने वो शॉपिंग कार्ट में डाल देते हैं और जाके वो लोग फिर परचेस कर लेते हैं। और टू बी वेरी मेटिकुलस जब यू नो आप ये रिसर्च ये सब करते हैं, बट एनीवे वो सब मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। बैक टू द टॉपिक गाइस, तो ये टॉपिक मुझे खास नहीं लगा, हाइड्रोपोनिक्स फॉर बिगनर्स ट्राई करके देखते हैं, ये भी उतना कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे। लेट्स से डाइट बुक्स आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद डिस्करेज करता हूँ लोगों को डाइट बुक्स नहीं करें, क्योंकि आपका पहला मकसद होना चाहिए आप ऐसे टॉपिक्स यूज़ करें जो जिसकी कमाई ई बुक से अच्छी हो, पेपर बैग से अच्छी हो और ऑडियो बुक से भी अच्छी हो। तो चलिए हम कुछ म्यूज़िक का टॉपिक देखते हैं। म्यूज़िक के मार्केट में मैंने काफ़ी सारे बुक्स पब्लिश किया और अच्छा पैसा भी बना रहा हूँ, तो आपको कुछ एग्जाम्पल के बेसिस में मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं और मेरी टीम कुछ रिसर्च करी थी, हम लोग को एक टॉपिक मिला, तो वो आपको दिखाता हूँ। चलिए, पियानो स्केल्स फॉर एडल्ट्स। ओके, यार जैसे आप देख रहे हो सर्च रिजल्ट बढ़िया है, 509 3000 से कम है। अब जाके केडी स्पाई दबाओ, पे क्लिक किया, केडी स्पाई पे क्लिक किया हमने, अब देखते हैं कितना तक आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 100,000 से ज़्यादा हो गया, देख रहे आप लोग। ये मैं इसी चीज़ के बारे में पहले बात कर रहा था। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू टारगेट एंड नोटिस। ओके, तो बहुत बढ़िया है, जैसे आप देख रहे हो ये जो 3 लाइट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के तौर। पहला लाइट जो है पॉपुलैरिटी का बताएगा कि कीवर्ड पॉपुलर है कि नहीं, तो ये अगर ग्रीन है इसका मतलब बहुत पॉपुलर है। सेकंड लाइट जो है पोटेंशियल के बारे में बताता है कि यहाँ के जो बुक्स हैं इनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, मतलब सेल होगा ही होगा, अच्छा रेवेन्यू भी आएगा। थर्ड जो है कॉम्पिटिशन बताता है, ये बता रही है कि यहाँ पे देर इज़ सम हेल्थी कॉम्पिटिशन, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज मेरे पास है, जो मैं सिखाता हूँ सीरीज बुक्स पब्लिश करके फिर बंडल बुक पब्लिश करना, उसके हिसाब से हम यहाँ के जो पब्लिशर्स को है लोगों को अच्छा टक्कर दे के हम अच्छा डोमिनेट कर सकते हैं यहाँ का मार्केट। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर है मेरे लिए कि ये टॉपिक अच्छी है। डिसाइड करने से पहले मैं एक और मार्केट में जाके अपना ज़रा कंफर्मेशन करूँगा, और वो है ऑडियो बुक मार्केट। तो मैं अभी जा रहा हूँ audible.com में, जैसा आप देख सकते हो audible.com, यहाँ पे जाके भी मैं वही टॉपिक एंटर करूँगा। चलिए, ये टॉपिक एंटर कर लिए, ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। अगर ऑडियो बुक की बात करें तो अगर 100 से ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स है इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन बहुत इंटेंस या कड़क रहेगा, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है, सिर्फ 4 सर्च रिजल्ट्स है, ज़्यादा बुक्स नहीं है, तो हम लोग आराम से अपना सीरीज बंडल्स पब्लिश करके इस पब्लिशर को हरा सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक पब्लिशर ने बुक्स पब्लिश किए और उसका एक बंडल बुक भी है, पियानो स्केल्स फॉर एडल्ट्स 3-in-1। लेकिन अगर मुझे आना है इस मार्केट में तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 बुक्स की सीरीज़ बनाऊँगा, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, और फिर एक बंडल बनाऊँगा, और फिर ऑटोमेटिकली अगर मेरा 6 बुक का बंडल आएगा तो यहाँ का मतलब अमेजोन के ऑडियो बुक मार्केट में अमेजोन मुझे इंपॉर्टेंस देगा, और ये जो बुक है 3-in-1 बंडल ये नीचे आ जाएगा। ऐसा होता है, अमेजोन हमेशा उस बुक को इंपॉर्टेंस देता है जो घंटों में ज़्यादा लंबा हो, जैसे ये जो बुक है ये 9 hours and 47 minutes तक जा रहा है अगर कोई इसको सुनेगा। लेकिन अगर मैं 6 बुक का करूँगा बंडल तो ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा, बिकॉज जैसे मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में कहा था, हमेशा 30,000 वर्ड्स एंड अबव के वीडियोज़ पर ही फोकस कीजिए। तो दैट्स हाउ इट इज़ डन दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में डिमांड हो और कॉम्पिटिशन कम हो, जो भी टॉपिक्स आप चूज़ करें। और हाँ, कॉपीराइटेड और ट्रेडमार्क टॉपिक्स हमेशा दूर रहिए, एज लॉन्ग एज आप रूल्स फॉलो करेंगे और आप वो सब स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम लोग हमारे एकेडमी में सिखाते हैं, आप बेझिझक बेफिक्र रह के आप पैसा बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय वीडियो, होप आप लोग को अच्छा लगे। अगर आपको सीखना है अमेजोन में कैसे आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं बुक्स का, और उसे आप कैसे कमा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी शहर में रह के, तो किंडल इनकम एकेडमी में आज ही भर्ती कर लीजिए। और भर्ती करने से पहले अगर आपको मेरे से बात करना है या मेरे किसी कोच या टीचर से बात करना है एकेडमी में, तो मुझे एक ईमेल भेज दीजिए, नहीं तो मेरे वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ पे आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उधर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, एंड देन आई विल पुट यू इन टच विद देम। ओके दोस्तों, होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार अगर आपको भी ऐसे बुक्स डाल के पैसिव इनकम कमाना है
यू नो बैठे बैठे घर पे, तो ये बढ़िया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। राइट दोस्तों, यू टेक केयर, मैं आऊँगा बहुत जल्द दूसरे वीडियोस दूसरे वीडियोस लेके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।